महू के युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष निशान सिंह चौहान ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सद्भावना का पाठ सिखाया गया और कांग्रेस कार्यालय के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोककर सड़क पर बजरंग दल और बीजेपी को सद्बुद्धि के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही कार्यालय पर आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चंदन का टीका लगाकर स्वागत भी किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि हमारा छोटा सा शहर है जिसमें सभी एकजुट होकर रहते हैं और किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे, पूर्व पार्षद मुजीब कुरेशी, पप्पू खान, पार्षद राहुल द्विवेदी, रवि मिश्रा, विजय नौलखा, अजय वर्मा, विशाल शर्मा, प्रवीण पाटिल, सचिन गुप्ता, अमित वर्मा, नरेश जोशी, साकिर खान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित लोगों ने जो बजरंग दल का मुखौटा पहन के घूमते हैं, उन लोगों ने यह आह्वान किया था कि कांग्रेस कार्यालय के सामने जाकर के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमारी युवक कांग्रेस ने भाई विपुल चौहान जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके इस बात का आह्वान किया कि भाई ठीक है, हम लोग भी हिंदूवादी हैं, हम लोग भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से धर्म पे ही चलती है। हम लोग धर्म को तोड़ मरोड़ के या उसमें असामाजिक तत्वों का प्रवेश कभी नहीं होने देते हैं। अब हर आदमी पूजा पाठ को लेकर के अपने सिद्धांतों पर चलता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान का और भगवान का मुखौटा पहन करके, भगवान के नाम का मुखौटा पहन कर जिस प्रकार से देश में दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार की अराजकता फैला रहे हैं, ये धर्म विरोधी बातें हैं। इसका हम लोग कड़ी तरीके से हम विरोध भी करते हैं और आज हमारे युवक कांग्रेस के साथियों ने और सभी कांग्रेस परिवार के लोगों ने उनके आने के पहले, क्योंकि 4 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, भगवान को भी वो लोग समय पर नहीं पूछ सकते हैं, 5 बजे के बाद वो लोग आए, तो हमारे सभी साथियों ने, कांग्रेस परिवार के लोगों ने, हम पहले से उनके आने के पहले ही जो है समय क्योंकि निकला जा रहा था इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसमें वो लोग भी बजरंग दल के लोग आकर के शामिल हुए, हम लोगों ने उनको मिठाइयाँ भी खिलाई, प्रसाद भी खिलाया और हमारे साथ नीचे खड़े होकर के कांग्रेस कार्यालय के सामने उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको इस बात के लिए हमने धन्यवाद भी दिया कि शालीनता का व्यवहार यदि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने लगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में एक अच्छी वातावरण का निर्माण होगा और एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बन पाएगी। हमने ये भी आह्वान किया है कि हम भगवान हनुमान जी से इस बात का अनुरोध करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान हनुमान जी से कि आपके शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जो राजनीति के अंदर धर्म का दुरुपयोग कर रही है और बजरंग दल के अंदर कई जगहों पे असामाजिक तत्वों का समावेश करके गलत तरीके से विद्रोह करने का प्रयास कर रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भगवान जो है सद्बुद्धि दे। उस सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने भी, पूरे युवक कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने, तीनों हमारे ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हुए, सभी लोगों ने मिलकर के भगवान से ये प्रार्थना की, हनुमान जी से, और सुंदरकांड का पाठ किया है।